हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग के बारे में, कि एक स्टोर कीपर का क्या क्या उसके कार्य होते हैं, किन किन चीजों के ऊपर वो ध्यान देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये जो बेल आइकन है इसको दबा देना है, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के इस ज्वाइन वाले बटन को दबा करके बीकॉम में आना है, और यहाँ पे आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं बाय पेइंग दिस नॉमिनल फी। यहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको लो कॉस्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, और आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल मी फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग। इसके अलावा आपको जो है आप ऑन डिमांड लेक्चर्स भी मुझसे बनवा सकते हैं इन केस ऑफ नीड, है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। जैसे कि आप ट्यूशंस करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आपको ट्यूशंस करने हैं, और आपको जो है बहुत ही कम प्राइसेस में ट्यूशंस आपकी हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं ये सारी चीजें। इसके अलावा जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में ढेर सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रिगार्डिंग, जिनको देख करके पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कॉमर्सी पाठशाला सर्च करना है यूट्यूब में, इस वाले पेज पे आना है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जब आप आओगे तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है, यहाँ पे आपको नीचे में आना है और यहाँ पे बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, और इसमें वीडियोज भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग की क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन होता है रिसीट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड इंश्योरिंग दैट एवरी आइटम ऑफ स्टोर्स रिसीव्ड बाय स्टोर कीपर इज ड्यूली सपोर्टेड बाय इंडेंट, है ना, अ परचेज ऑर्डर एंड इंस्पेक्शन नोट एंड गुड्स रिसीव्ड नोट, है ना। तो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट का यही काम होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि मटेरियल्स को रिसीव करना, गुड्स को रिसीव करना जो भी आई है डिपार्टमेंट के पास से, और उनको कुछ इस तरीके से रिसीव करना कि उनका जो है वेस्टेज ना हो, ठीक तरीके से रिसीव करना। साथ ही साथ उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए, तो सपोर्टेड बाय जो इंडेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए, परचेज ऑर्डर आपके पास होना चाहिए कि आपने परचेज करा था तब आपके पास ये सामान आया है, इंस्पेक्शन नोट और गुड्स रिसीव्ड नोट, ये तीन चार चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके पास होनी चाहिए जब भी आप गुड्स को रिसीव करोगे। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एनी स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग वाला जो व्यक्ति होता है उसका। दूसरा है इश्यू परचेज रिक्विजिशन टू द परचेज डिपार्टमेंट व्हेन द स्टॉक ऑफ मटेरियल रीचेस द रीऑर्डर लेवल, है ना। तो जैसे ही एक परचेज मटेरियल का जो स्टॉक है, जो स्टोर है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि हमें अब और रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो तुरंत जाकर के जो है रिक्विजिशन प्रोवाइड करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, देखो कि देखो हमें इतने मटेरियल की आवश्यकता है, है ना। तो वो जो है परचेज रिक्विजिशन देगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट को, जब स्टॉक जो है, स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है वो रीच करेगा अपने रीऑर्डर लेवल को, मतलब जहां पे आपको आवश्यकता है दोबारा से ऑर्डर करने की, वहां पे जब वो पहुंच जाएगा तो वो रिक्विजिशन दे देगा परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि उस चीज को खरीद लेना, रॉ मटेरियल्स को खरीदना। थर्ड पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, इश्यू एंड बैलेंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ मटेरियल एंड चेक द बिन कार्ड बैलेंसेस विद द फिजिकल क्वांटिटीज इन द बिन्स, है ना। जैसे डस्टबिन होता है उसी तरीके से ये बिन्स होता है जहाँ पे चीजें रखी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे है प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना रिसीट को, जो भी आपने रिसीट इशू पाया है, इशू जो आपने किया है, और जो बैलेंस जो आपके पास रॉ मटेरियल है इशू करने के बाद, वो सारी की सारी चीजें जो है आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए, है ना। फोर्थ पॉइंट इज placing and arranging material received at proper and appropriate places and adhering to the golden principle of storekeeping, that is a place for everything and everything in its place, है ना। so place चीजों को एक तरीके से अच्छे तरीके से place करना, जहाँ जिसका जगह है उसको वहाँ पे रखना, है ना, चीजों को ठीक तरीके से arrange करना, तो ये चीजें बहुत ही important है और बहुत ही appropriate places में जो है आपको चीजें को रखनी होती है, जिससे आप जो है golden principle of storekeeping को follow करते हो या follow कर पाते हो। और वो principle क्या है? वो प्लेस है, आप प्लेस फॉर एवरीथिंग, एक ऐसा जगह जहां पे आप हर एक चीज रख सकते हो और हर एक चीजों का एक जगह इन इट्स प्लेस, और सारी चीजें जो है अपने अपने जगह पे रखी हुई हैं। सो ये गोल्डन रूल है,
ठीक है ना, स्टोर कीपिंग का मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता चल रहा है, थोड़ा लेट पता चल रहा है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। जैसे कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी था, रियल नॉमिनल पर्सन, व्हाट कम्स इन व्हाट कम्स आउट, ऑल डेबिट एक्सपेंसेस, ऑल ऑल क्रेडिट, ऑल इनकम जो है वो क्रेडिट होता है। तो जिस तरीके से उसका गोल्डन रूल था, उसी तरीके से इसका भी गोल्डन रूल है। अब प्लेस फॉर एवरीथिंग, एक ऐसा जगह जहाँ पे आप सारी चीजें रख पा रहे हो, और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और सारी चीजें अपने अपने जगह पे रखी हुई है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इश्यूज स्टोर्स अगेंस्ट प्रॉपर ऑथोराइजेशन इन राइट क्वांटिटी ऑफ राइट स्पेसिफिकेशन एट द राइट टाइम। तो इनका काम ये भी होता है स्टोर्स में, कि एक तरीके से मटेरियल को इशू करना, प्रॉपर क्वांटिटी में इशू करना, जितनी आवश्यकता है ये उतना ही इशू करना, है ना। जो स्पेसिफिकेशन मांगा गया है, जिस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट मांगा गया है, रॉ मटेरियल मांगा गया है, उसी को इश्यू करना और सही टाइम पे इश्यू करना, ठीक है ना। तो ये इनका काम होता है, ये इनका फंक्शन होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में ये बात बोली गई है। छठा पॉइंट है, छठा फंक्शन है इनका, मिनिमाइजिंग द स्टोरेज हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो किसी तरीके से उनको जो है अपना स्टोरेज हैंडलिंग और मेंटेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना है। दिस इज देयर जॉब, कि वो किसी तरीके से स्टोरेज हैंडलिंग को रिड्यूस करें या उसकी कॉस्ट को मेंटेन करें, ठीक है। सेवेंथ नंबर पॉइंट इज इंश्योरिंग दैट द स्टॉक नीदर एक्सीड्स द मैक्सिमम लेवल और नॉर गो बिलो द मिनिमम लेवल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इनका काम, सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है वो यही होना चाहिए, कि जो मैक्सिमम लेवल है उसको क्रॉस ना कर पाए आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, और जो मिनिमम लेवल है उससे नीचे भी ना आ पाए, क्योंकि उससे नीचे आएगा आपको अगर ज्यादा सामान की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप पहुंचा नहीं पाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। और अगर ज्यादा आपके पास मैक्सिमम क्रॉस करने लगेगा, तो आप एक तरीके से आपके पास स्टॉक जो है ज्यादा हो जाएगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिना वजह का आपको यहाँ पे करना पड़ जाता है। सो ये सही नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये इंश्योर करना कि ना ही वो मैक्सिमम लेवल को एक्सीड करे, ना ही मिनिमम लेवल को एक तरीके से बिलो जाए, इस चीज का ध्यान देना भी स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। एट नंबर पॉइंट इज प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्सन इनटू द स्टोर्स। तो इनका काम ये भी होता है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन, जिसके पास कोई ऑथोराइजेशन नहीं है आपके स्टोर में एंटर करने का, उसको अलाउ ना किया जाए कि वो अंदर आ सके, उसको बाहर ही रखो भाई, उसको आवश्यकता नहीं है अंदर बुलाने की, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को बाहर रखना, आठ नंबर पॉइंट में, ये भी उनका फंक्शन होता है। नौवां नंबर पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट। उनका काम ये भी होता है कि जो लोग स्टाफ काम कर रहे हैं आपके स्टोर डिपार्टमेंट में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उनको सुपरवाइज करने का काम जो है वो भी उनका ही होता है ना, स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट का होता है। नाउ द टेंथ एंड लास्ट नंबर पॉइंट इज कैरिंग आउट अ रेगुलर रिव्यू ऑफ आइटम्स ऑफ स्टोर्स इन हैंड्स for locating slow moving and non moving items so that the necessary step may be taken for their disposal before they become obsolete, है ना। तो एक तरीके से आपको रिकॉर्ड रखना अपने स्टोर का, कि कौन कौन सी चीजें बहुत ही तेजी से मूव कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें कम मूव कर रही हैं, मतलब कम बाहर जा रही हैं, स्टोर में आ तो रही हैं लेकिन बाहर कम जा रही हैं। तो बाहर कम जा रही हैं तो उनकी एक्सपायरी के टाइम, एक्सपायरी खत्म होने के बाद तो वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना कि वो जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है, वो एब्सोलेट होने के पहले, बर्बाद होने के पहले हम उसको बाहर निकाल दें, उसका इस्तेमाल कहीं पे हो जाए, लॉसेस हमारा जो है वेस्टेज के कारण ना हो। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देने का काम जो है वो भी स्टोर कीपिंग का होता है। सो कैरिंग आउट अ रेगुलर रिव्यू ऑफ आइटम्स स्टोर इन द हैंड फॉर लोकेटिंग स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स सो दैट द नेसेसरी स्टेप्स मे बी टेकन, नेसेसरी स्टेप्स आप ले सको फॉर देयर डिस्पोजल, उसको डिस्पोज किया जा सके जिससे पहले कि वो लोग जो है एब्सोलेट हो जाए, ठीक है ना। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स, 10 फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।